जय द्वारकाधीश। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के द्वारका की ओर जाने वाले रास्ते पे, और हम द्वारका पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी की है, और द्वारका से ये जगह ओखापुरी है दोस्तों। ओखा एक करके आता है वहाँ पे, और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूँ दुर्गेश भाई, यहाँ से जहाज़ में जाना पड़ता है, क्योंकि जो बेट द्वारका है, हमें बेट द्वारका जाना है। वहाँ कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर है बेट द्वारका में, तो वहाँ हम जाएंगे। तो दुर्गेश भाई, मैं बता दूँ आपको कि वहाँ गाड़ियाँ, वहाँ समुद्र है तो नाव में जाना पड़ता है। टापू है, टापू है समुद्र के बीचों बीच, तो नाव में जाना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ गाड़ियाँ पार्क की है, आप देख सकते हो। दुर्गेश भाई दिखाइए अपने दोस्तों को। जी हाँ भाई, अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है, तो ये पार्किंग है। बिल्कुल, ये पार्किंग स्थल है। यहाँ से दुर्गेश भाई कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाती। बिल्कुल, यहाँ से अपने को जहाज में जाना पड़ता है, नाव में। तो दोस्तों, आप यहाँ आके फ्री हो गए हो एकदम, और रिलैक्स महसूस। ये चाबी दुर्गेश भाई को दे दी है, लॉक हमने लगा दिया है, और पार्किंग है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से चलेंगे दुर्गेश भाई बेट द्वारका की ओर। ₹48 दीजिए दुर्गेश जी। क्या 284 5 284 5 मेरी गाड़ी की नंबर है दुर्गेश भाई। अच्छा, बिल्कुल, ये हमने पर्ची कटा ली है दुर्गेश भाई। चलते हैं आगे की ओर। हमने गाड़ी पार्क कर दी है और स्लीप कटवा ली है। यहाँ से हमको सब नाव में घूमना है बेट द्वारका की ओर। दुर्गेश भाई, इसको संभाल के पर्स पे रखना पड़ेगा। चलिए रख देता हूँ मैं। तो हरीश भाई, हम आ चुके हैं इधर। बिल्कुल बिल्कुल, और दुर्गेश भाई आप पढ़ सकते हैं ऊपर, ओखा नगर पालिका यात्रियों का हार्दिक स्वागत करती है। दुर्गेश भाई, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। जी हरीश भाई, कि ओखा, ये ओखा लास्ट है, और इससे आपको अगर बेट द्वारका जाना हो तो बेट द्वारका में आगे दुर्गेश भाई नावें जाती हैं, गाड़ियां नहीं जाती, क्योंकि टापू है समुद्र के बीचों बीच, और यहीं से शायद हमें मिलेगी। देख सकते हैं आप आगे। बहुत हवा आ रही दुर्गेश भाई, मस्त वाली। जी हाँ हरीश भाई, बिल्कुल बाजार लग सकते हैं। देखो टोपियाँ, यहाँ टोपियाँ और चश्मे ज़्यादा बिकते हैं लग रहा है। बिल्कुल, हाँ हरीश भाई, अरे भैया वापस आ रहे हैं। तो हरीश भाई, अपने दोस्तों को हम यहीं तक कहना चाहेंगे, आगे फिर नाव में जब चढ़ेंगे उस टाइम और अपने दोस्तों से मुलाकात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जरूर दुर्गेश भाई, तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों अगर आपको बेट द्वारका जाना है तो ये गुजरात राज्य में है, और द्वारका से आगे है करीबन 30 किलोमीटर दुर्गेश भाई बेट, ये ओखापुरी, ये ओखा आता है बंदर का, और यहाँ पर हॉल्ट हो जाता है दुर्गेश भाई। हमने पार्किंग में गाड़ी रख दी है, दोस्तों को बता दिया है, और यहाँ से फिर आगे आप देखा पीछे दुर्गेश भाई, वहाँ दिखाइए अपने दोस्तों को, वो लास्ट है, वहाँ से हम चलेंगे नाव में बैठकर। जी हाँ हरीश भाई, तो ये देखिए समुद्र आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समुद्र आ गया। ये बाद में इसका नज़र अगले वीडियो में अपन जरूर दिखाएंगे अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे आपको नावों के साथ में। तो अभी के लिए चलो हमारे साथ बेट द्वारका। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश।